अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। जी जनाब, आज बनने वाले हैं दाल कद्दू। और ये रही दाल, मैं सारी तो नहीं डालूंगी, बहुत थोड़ी सी डालूंगी। और ये कद्दू, और ये हो गया धनिया हमारा। तो सबसे पहले मैं ऐसा करती हूँ कि धनिए को कट करके रख लेती हूँ, बहुत आसानी रहती है अगर इसको जो है ना हम ऐसे ही देखें, बना बना सा ही है। बस इसको कट करके मैं धो के तो है ना रख लूँगी। वॉश किया हुआ अगर हम रखते हैं ना फ्रिज में तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि फिर वो जो उसके वॉश करने के बाद अगर ड्राई होंगे ना पत्ते, तो वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आप वो ठीक होंगे बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसे हम इसको ऐसे ही रख देते हैं ना, वॉश किए बगैर रखते हैं, तो वो ऐसे बेचारे ऐसे सूख से जाते हैं, छोटे से हो जाते हैं। तो इसको मैं पहले काटती हूँ और फिर मैं इसको वॉश करके बास्केट में डाल के रखती हूँ। धनिया जो है वो काट के रख लिया है वॉश करके, तो ये अच्छे से जो है पानी इसका निकल जाएगा। और अब आ जाते हैं हम अपने बाकी सामान की तरफ। ये मैंने रफ रफ सा जो है ना वो प्याज कट कर लिया है, और अब मैं इसमें जो है वो ऑयल डाल के इसको फ्राई करने के लिए रखती हूँ, और फिर बाकी चीज़ें रेडी करते हैं। प्याज फ्राई हो रहे हैं तो मैं क्या करूँगी कि टमाटर जो है वो कट कर लेती हूँ, और हरी मिर्चें ये फ़ौरन मैंने जो है ना वो डालने हैं इसके बाद। तो ये भी मैं मोटे मोटे से रफ ही कट कर रही हूँ, क्योंकि अभी लगना है जनाब प्रेशर कुकर, दाल डलनी है ऑब्वियसली, बीच में दाल कद्दू बना रहे हैं हम, तो इसलिए ये सारी चीज़ें कहाँ घुल जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। मैं ज़रा ज़्यादा मोटा मोटा सा ही कट कर रही हूँ। हरी मिर्च जो है ना वो मैं एंड पे ऐड करूँगी, अभी नहीं कर रही मैं। ये जनाब लग रहा है रफ सा तड़का, और इसको थोड़ा सा और बना लेते हैं। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी, और नमक मिर्च हल्दी ऐड कर दूंगी। टमाटर ले गई, नमक मिर्च हल्दी हो चुकी है ऐड, और इसको अब मैं जो है ना वो इधर ही कवर करके छोड़ दूंगी ऐसे ही। और तब तक मैं अपने जो है ना वो दाल वॉश कर लूँ, और कद्दू जो है ना वो मैं कर लूँ, छीन के रेडी कर लूँ। तब तक मैं आँच हल्की कर देती हूँ और इसको कवर कर लूँ। अच्छा जी, अब पहले दाल जो है वो कर लेती हूँ। मेरा इतनी दाल काफ़ी होगी, दो कद्दू हैं उस हिसाब से जो है ना वो कद्दू ज़्यादा हो जाएंगे मेरे ख़्याल से। तो दाल थोड़ी और ऐड कर लेती हूँ। चलो जी, अब इसको मैं कर लेती हूँ वॉश। क्या खाना है बेटे ने? जी ने बेटे खाना बना रही हूँ। मतलब मैं बड़ा होगा ना तब चिकन पका, अभी मैं तो छोटा हूँ। ले जी, दाल भी हमारी धुल गई, रेडी हो गई। अभी मैं बड़ा होगा ना तब फिर मैं आपको पका के दूंगा खाना। ठीक है, मिर्ची पका के दोगे? हाँ। क्यों, मिर्ची क्यों पका के दोगे मुझे? बस इतना छोटा सा। आजकल अब्दुल वदूद का जो है ना कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो मेरे साथ किचन में घुसा रहा है। हैप्पी फेस बुलाने तुमने? हैप्पी फेस हमारी पुरानी वीडियो बेटे, तब तो आप कद्दू खाते नहीं थे ना, तो फिर हमने हैप्पी फेस बना लिया था। तो आज तो आप कद्दू खाओगे, अब आप रोटी खाते हो, बड़े हो गए हो। नहीं, क्या है ये कद्दू है, मेरा पीलर खराब हुआ हुआ है, तो अब मुझे ये छुरी की मदद से जो है ना वो छीलना पड़ रहा है। तो इट्स ओके फाइन। तो मेरा ख्याल है मैंने पहली या दूसरी वीडियो जो अपलोड की थी ना, वो मैंने अब्दुल वदूद की यही कद्दू वाली जो है ना वो ऐड की थी, अपलोड की थी। उसमें ये कि कद्दू थे दो बड़े प्यारे से, और उनको हमने एक मेल और एक फीमेल जो है ना वो हैप्पी फेसेस दिए थे, और ये उनको अब्दुल वदूद। आप उनको क्या कह रहे थे? आप पारी कह रहे थे कद्दू को? हाँ।
इस तरह काफी वैसे वेस्ट हो रहा है। Hey guys! मुझे लगने लगा है, शुक्र है लगा नहीं है। मैं देखने दो। इसमें मैं डाल दूंगी कद्दू, आपको नहीं नजर आएगा बेटे, ऊंचा है आगे ना आना गरम है। तब मैं कद्दू को थोड़ा सा भून लूंगी और उसके बाद मैं इसमें दाल डाल के पानी डाल के प्रेशर लगा दूंगी। अच्छा जी, अब मैंने जो है वो इसको भून के थोड़ा सा, और मैंने दाल भी ऐड कर दी है और पानी भी ऐड कर दिया, इतना के नीचे भी ना लगे और ज़रा पक जाए। पकने के बाद इसको फिर थोड़ा सा भून लेंगे, वैसे तो ज़रूरत नहीं है दोबारा भूनने की, लेकिन भून लेंगे तो अच्छा सा जो है ना वो ज़रा शक्ल और टेस्ट आ जाएगा। तो अब मैं इसको प्रेशर कुकर को करने लगी हूँ बंद तकरीबन 15 मिनट के लिए। मेरे बच्चे आपने इतने गौर से देख के करना क्या है, देख लो, ये लो, ये देखो, ये सूखा धनिया है, ये ज़ीरा है और ये कसूरी मेथी है, ठीक है। अब इसको ग्राइंड करने लगी हूँ मैं ग्राइंडर में, तो आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ। चलो जी, ये देखिए ग्राइंड हो गया और बिल्कुल प्यारी सी जो है ना वो ज़ीरे की खास तौर पर ना जो खुशबू आती है ना जी, भी ग्राइंड होता है ताज़ा ताज़ा। आहा, अभी प्रेशर भी नहीं हमारा बोला और पहले ही जो है ना ये काम हो गया। अब मैं इसको जो है ना इधर बंद करके रख देती हूँ और 15 मिनट बाद जब के प्रेशर कुकर को खोलेंगे तब मुलाकात होगी। अच्छा जी, अब प्रेशर कुकर जो है वो खुल चुका है जनाब, और ये देखें जी, ये इस तरह वाला मामला है कि पानी बहुत कम है, ऐसे करके दिखाती हूँ, पानी कम है, दाल गल चुकी है जी, गल चुकी है। अच्छा, कद्दू जो है ना वो हमारे घर में कम पसंद किए जाते हैं, तो मैं ऑलमोस्ट जो है ना वो कद्दू को उतारे कर रही हूँ दाल में, नज़र ना आए, तकरीबन जो है ना मैं घोट लूँगी। अब सब्ज़ी जो है ना उसके इतने फ़ायदे होते हैं, लेकिन क्या करें जब कोई खाने वाला ना हो, उसको मैं दाल में जो है ना वो तकरीबन घोट के गायब कर रही हूँ कद्दू को। मैं तो वैसे खा लेती हूँ, मुझे पसंद है, लेकिन बच्चे भी नहीं खाते, मेरे मियाँ भी नहीं खाते, मजे की बात है, जो नहीं खाते ना वो मानते भी नहीं है कि हम नहीं खाते, कहते नहीं हम खाते हैं, हम खाते हैं। फिर जो है ना हमें हाउसवाइफ्स को और मदर्स को जो है ना ये चाल चलनी पड़ती है कि जो चीज़ खिलानी है ना वो गायब कर दो बीच में ऐसे घोट के, पता ही ना चले, नामो निशान ना रहे किसी चीज़ का, जैसे मैं कर रही हूँ। अच्छा, आज मैं चावल नहीं बना रही इसके साथ, इसके साथ हम बनाएंगे रोटी और फिर खाएंगे मज़े से। हमारा ये मसाला ऐड कर रही हूँ, सूखा धनिया, ज़ीरा और कसूरी मेथी, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया मज़े मज़े का, इसकी वजह से ना इसकी बड़ी मज़े की शक्ल आ जाती है और टेस्ट भी। नमक चेक कर लेते हैं इसका, थोड़ा सा कम लग रहा है, एक बार जो है ना वो हाफ टी स्पून ऐड करके मैं साबुत ही डाल रही हूँ इस तरीके से। अच्छा जी, ये साथ साथ बन रही हैं रोटियाँ ना बर्तन में, और ये बहुत ही मज़े का जो है ना वो रेडी हो गया। कहीं कहीं पे जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सा कद्दू नज़र तो आ रहा है, ये थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन इतना चलेगा। और जनाब, साथ पक गई हैं हमारी रोटियाँ और अब हम तो खाने लगे हैं, इंजॉय करने लगे हैं। आपको अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें और शेयर कर दें। आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।